हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में। एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से आ रही है बहुत बड़ी खबर। एमबीसी आरक्षण को लेकर के आ रही है बड़ी खबर। क्या मिलेगा सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण? पूरी ऑफिशियल न्यूज आपको बिंदुवार बताई जाएगी। तो ले चलते हैं दोस्तों आपको सीधा अपडेट की ओर, मुखातिब करवाते हैं आज की इस बड़ी और लेटेस्ट अपडेट से दोस्तों, जो अभी जस्ट आपको एक मिनट पहले ही अभी हमें भी मिली है। तो ले चलते हैं आपको सीधा अपडेट की ओर दोस्तों। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के पास में जो बेल आइकन है, घंटा का निशान, इसे जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाली इसी प्रकार की लेटेस्ट और नई नई वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचकर मिलते रहे और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको सीधा अपडेट की ओर और मुखातिब करवाते हैं आज की इस बड़ी और लेटेस्ट अपडेट से। हाँ, तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ी अपडेट आज सामने निकल करके आ रही है। एमबीसी को 5% आरक्षण का मामला मुख्य पीठ को भेजा। ले चलते हैं सीधा न्यूज की ओर। जयपुर से न्यूज प्रकाशित हुई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2019 के तहत गुर्जर सहित 5 जातियों, गड़िया, लुहार, बंजारा, रैबारी व रायका को एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग में 5% विशेष आरक्षण देने के मामले को गंभीर मानते हुए मुख्यपीठ जोधपुर को भेज दिया है। साथ ही मामले में सुनवाई के लिए 4 जुलाई तय की है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि अब जो सुनवाई की डेट है यहां पर 4 जुलाई तय की गई है। सीजे एस रविंद्र भट्ट व जस्टिस जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह निर्देश बुधवार को अरविंद शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर दिया। गौरतलब है कि अदालत ने पिछली सुनवाई पर मामले में राज्य सरकार से ओबीसी आयोग की सिफारिश व जस्टिस एस के गर्ग कमेटी की रिपोर्ट मांगी थी और मामले को अंतिम बहस के लिए रखा था। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो पूरी न्यूज है इसका सारांश रूप यह है कि जो यहां पर ये अरविंद शर्मा नाम के एक जनहित याचिका लगाई गई थी, अरविंद शर्मा नाम के एक प्रतिभागी ने, तो उसमें इसको अवैधानिक करार बताया था। तो इस संदर्भ में जब कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो कहा गया है कि ये अब इस पर इनकी खंडपीठ विचार न करते हुए इन्होंने इसको हैंडल कर दिया है, जो जोधपुर ब्रांच को, यानी जोधपुर खंडपीठ मुख्य पीठ को हैंडल कर दिया है। और जो यहाँ सुनवाई की डेट यहाँ पर निर्धारित की गई है दोस्तों, 4 जुलाई तय की गई है। अब 4 जुलाई को जो भी यहाँ पर डिसीजन आएगा वो बड़ा दिलचस्प और देखने वाला होगा। तो दोस्तों इंतजार कीजिए 4 जुलाई तक, जो भी डिसीजन आएगा आपको सबसे पहले अवगत करा दिया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो और अपडेट पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों को अपडेट मिल सके। और दोस्तों आपको बता दें कि ये सब सरकार के ऊपर है, सरकार चाहे तो इसकी सुनवाई 4 जुलाई से पहले भी करवा सकती है। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ में प्रतिभागियों को ये अवगत कराइए कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, जिससे कि इस मामले को जल्दी से जल्दी मुख्यपीठ जोधपुर में जल्दी से जल्दी यहाँ पर लिस्टिंग करवाई जाए और केस की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके, जिससे सभी भर्तियों के यहाँ पर परिणाम जारी हो सके और नियुक्तियाँ दी जा सके। दोस्तों 4 जुलाई तक का समय एक बहुत लंबा समय हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो और अपडेट पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो और अपडेट पसंद आया आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन, जो घंटा का निशान है, इसे दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको हर भर्ती और आरक्षण संबंधित अन्य अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। तो दोस्तों धन्यवाद, एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।